हे गाइस, तो मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस कैसे हो आप लोग, मैं मनीष सिंह, आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस रहता। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया गाइस, तो हम फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है वो है अभिषेक यादव की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने अपना एक अपडेट शेयर करा एंड उन्होंने कैप्शन में लिखा था 7 weeks out एंड गाइस देख सकते हो बिल्कुल कंडीशनिंग बढ़िया लग रहा, शोल्डर में राउंडनेस भी दिख रहा, ट्राइसेप्स तो ऑलरेडी इनका जो जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिड सेक्शन में देख सकते हो ऐप विजिबल हो रहे, बट सबसे ज़्यादा हम लोग को देखना होगा इनके बैक में, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इन्होंने लैक करा वो बैक से करा। तो इस बार देखते हैं कि इस बार कितने इंप्रूवमेंट करके अभिषेक यादव बैक में आते हैं, क्योंकि फ्रंट लुक बोलूँ या आर्म्स बोलूँ या शोल्डर, तो वो लास्ट टाइम भी बढ़िया था और इस टाइम भी बढ़िया लग रहा है, बट हम लोग को देखेंगे कि लास्ट टाइम और इस टाइम में कितना इन्होंने चेंज करा अपने बैक में, कितने अपने मसल मास पुट ऑन करा, वाट एवर जो भी है वो तो ऑन द स्टेज ही पता चलेगा इस। तो बाय द वे आप लोग बताना कमेंट करके इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है भुवन चौहान की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने भी अपना एक अपडेट शेयर करा गाइस, जिसमें देख सकते हो चेस्ट में तो बहुत ज़्यादा फुलनेस दिख रहा एंड उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि यू कैनोट डिफीट अ मैन हु नेवर गिव अप, बट देख सकते हो रियली बताऊं तो बहुत इंप्रेसिव लग रहे भुवन चौहान। एंड इस बार सबसे ज़्यादा मेरे को इंप्रूवमेंट इनका दिख रहा चेस्ट में अच्छा गुड क्वालिटी मसल मास एक फुलनेस के साथ दिख रहा एंड वेस्ट नैरो और शोल्डर में जो राउंडनेस है वाइडर है वो तो ऑलरेडी है, बैक से हमेशा ये डोमिनेट करते पूरे लाइनअप का, मतलब ओवरऑल बोलूँ तो फिजिक इस बार बहुत एक प्रोपोर्शन एक सिमेट्रिक एक कंडीशनिंग वाली फिजिक दिख रहा। बट हम लोग देखेंगे कि दिल्ली में जो राइवलरी होने वाला है बिलाल अली वर्सेस भुवन चौहान वो तो हम लोग को दिल्ली में ही पता चलेगा गाइस। तो बाय द वे आप लोग कमेंट करके बताना कि ये राइवलरी होता है भुवन चौहान वर्सेस बिलाल अली तो उस राइवलरी को कौन जीतेगा, भुवन चौहान या फिर बिलाल अली। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर देना। नेक्स्ट अपडेट है वो है इसरार प्रो बिस्ट की तरफ से गाइस। तो रियली बताऊं तो बहुत इंप्रेसिव इस साल लग रहे इसरार प्रो बिस्ट एंड देख सकते हो कंडीशनिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट लग रहा, शोल्डर राउंडनेस देख सकते हो, फाइबर देख सकते हो, मतलब बहुत लग रहा एक जो बाहर के एथलीट्स के जिस तरीके से आप लोग जानते होंगे देखते होंगे कि बाहर के जो एथलीट्स होते हैं उनको कितना गुड क्वालिटी मसल मास होते हैं बॉडी के अंदर, एक राउंडनेस जिसको बोलते हैं राउंडनेस वैली वाली मसल, वो जो कि इसरार प्रो बिस्ट में दिख रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार ये इनको प्रो कार्ड मिल सकता है या फिर नहीं, वाट एवर जो सोचते हो आप लोग कमेंट करना। वैसे मैं बताऊं तो रियली कंडीशनिंग साइज एवरीथिंग बहुत नेक्स्ट लेवल लग रहा है गाइस। तो आप लोग कमेंट कर बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका अमन क्लासिक के तरफ से गाइस। अमन क्लासिक का जो कॉम्पिटिशन हुआ था वो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है एंड जो भाई ने जीता उनका नाम है प्रदीप वर्मा, देख सकते हो कंडीशनिंग बिल्कुल बिलाल अली जैसा इनका कोड लग रहा, बिल्कुल टाइट हार्ड और ये टीम अनस्टॉपेबल के खिलाड़ी हैं। और कहीं ना कहीं देखो साइज थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन कंडीशनिंग बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और इनके टीम के और भी सारे एथलीट्स ने जीता, आप लोग देख सकते हो एहसान आलम, कभी पंचपाल और वो भाई एस्थेटिक्स उनका इंस्टा हैंडल है, जो भी है कंडीशनिंग सभी एथलीट्स का बहुत अच्छा लग रहा था एंड शो भी बहुत बढ़िया होता गाइस। तो आप लोग कमेंट कर बताना एंड आप सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द एथलीट्स जरूर लिखना। तो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है रवि पवार की तरफ से गाइस। तो उन्होंने भी अपना अपडेट शेयर कर दिया गाइस एंड आप लोग देख सकते हो रवि पवार का ये करंट कंडीशन है। यदि कंडीशनिंग की बात करें गाइस तो इस साल और थोड़ा इंप्रूवमेंट करके कहीं ना कहीं रवि पवार ऑन स्टेज आने वाला है एंड आप लोग देख सकते हो गाइस रियली बताऊं तो मिड सेक्शन खास करके बहुत इंप्रेसिव अभी से ही लग रहा एंड इनके पास साइज भी है, 6 weeks out है, 6 weeks 5 days आउट है। तो आप लोग होप मीन्स लाइक करना कि इस बार आप लोग को क्या लगता है कि इस बार रवि पवार को प्रो कार्ड मिल सकता है या फिर नहीं, वाट एवर जो भी सोचते हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है लवप्रीत की तरफ से गाइस। तो लवप्रीत ने भी अपना एक करंट कंडीशन और अपडेट दिया गाइस। तो आप लोग देख सकते हो लवप्रीत का ये करंट कंडीशन है, देखो इसमें तो बैक की साइज देख सकते हो एंड शोल्डर में राउंडनेस देख सकते हो, आर्म्स का साइज देख सकते हो, अच्छा दिख रहा, मिड सेक्शन भी कहीं ना कहीं शार्प दिख रहा गाइस। तो आप लोगों को क्या लगता है, लास्ट टाइम जो इनका प्लेसिंग था मुंबई वाले प्रो शो में वो इनका था 8th place, उसके पहले दिन इन्होंने प्रो कार्ड जीता, अगले दिन का प्रो शो में था 8th place। तो इस बार क्या और इंप्रूवमेंट करके आएंगे तो क्या इनका प्लेसिंग में अप डाउन हो सकता है गाइस? तो आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे मैं बताऊं तो फिजिक बहुत नेक्स्ट लेवल लग रहा गाइस, आप लोग बताना कि इनके फिजिक में आपको क्या कमी दिखता है। मेरे को लगता है इनका पैकेज जो है ना कंप्लीट पैकेज है, सिर्फ और थोड़ा मसल मास अधिक पुट ऑन अपने फ्रेम में करेंगे तो एक कंप्लीट पैकेज लेकर ऑन स्टेज आएंगे तो बहुत जल्द अच्छा करने वाले हैं गाइस लवप्रीत। तो आप लोग कमेंट कर बताना इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट अपडेट है वो है एंड्री ड्यू की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली देख सकते हो उन्होंने भी अपना एक अपडेट शेयर करा गाइस एंड ये भी फिलहाल ऑफ सीजन में, जिसके वजह से इनका मिड सेक्शन और ही ज्यादा मतलब
बोल सकता हूँ अच्छा नहीं दिख रहा। और ऐसे भी जब जब ये कॉम्पीट इन्होंने करा, आप लोगों ने देखा होगा चाहे ओलंपिया के हो और भी उनकी क्वालिफिकेशन वाले शो में भी, मिड सेक्शन इनका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, लाइक हर साल मतलब सोचता हूँ कि इस साल ये इंप्रूवमेंट करके आएंगे, बट ऐसे वैसा दिखता नहीं है। हाँ, ओवरऑल बॉडी में बहुत गुड क्वालिटी मसल मास है, फाइबर बिल्कुल ऑन पॉइंट होता है, सिमेट्रिक भी बढ़िया है, लेकिन मिड सेक्शन बिल्कुल शार्प इनका नहीं दिखता है। देखते हैं इस बार क्या इंप्रूवमेंट करके आते हैं। वैसे इस बार ये कॉम्पीट करेंगे जरूर ओलंपिया में, तो लेट्स सी। वैसे इन्होंने अनाउंस नहीं करा क्योंकि इनको क्वालिफिकेशन भी पहले लेना पड़ेगा, तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं। आप लोग कमेंट कर बताना इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है ब्रियोन इशली की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली उन्होंने भी अपना एक अपडेट शेयर कराया गाइस, एंड आप लोग देख सकते हो ये इनका करंट कंडीशन। आई थिंक लग रहा है ब्रियोन इशली कहीं ना कहीं अपने फ्रेम में कुछ और गुड क्वालिटी मसल मास पुट ऑन कर रहे हैं, जिसके वजह से देख सकते हो थोड़ा साइज में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिख रहा, बाइसेप्स का पिक देख सकते हो, एंड जो लेट्स है उसमें भी देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा वाइडर दिख रहे हैं एज अ कंपेरिजन टू पहले वाले, और भी सारे जो भी जब ये ऑफ सीजन में जाते हैं, तो इस बार ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स ही देखते हैं इस बार क्या किस डिवीज़न में कॉम्पीट करेंगे, किस तरीके से क्या इनका परफॉर्मेंस होगा, हम लोग को ऑन स्टेज ही पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट कर बताना इनका फिजिक आप लोग को कैसा। तो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से गाइस। तो रिसेंटली उन्होंने कुछ टिप्स शेयर करा आप लोग के लिए, तो आप इस वीडियो को देखना, गुरुजी के बारे में आप लोग क्या सोचते हो आप लोग कमेंट करके तो बता ही सकते हो। सभी बेसिक एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो में दिखाया है, आपने प्रिसाइजली नोट करना है कि एक तो मूवमेंट आप जो करते हैं और जो इसमें दिखाया है, तो मूवमेंट पे फोकस करना है, और बाइसेप छोटा मसल है, 3 या 4 एक्सरसाइज मैं बोलूँगा, आप 4 एक्सरसाइज इसमें से वो 4 एक्सरसाइज सेलेक्ट करें अपने लिए जो आपको अपने लिए टफ लगती है और जिसमें आप हैवी वेट उठा सकते हैं, इंक्लूडिंग हैमर कर्ल, वो तो करना ही है। 3 एक्सरसाइज और कोई भी इस पूरे रूटीन में से आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, और कम से कम 6 वीक उसको चेंज नहीं करना, फिर 6 वीक तक कंसिस्टेंटली उस पर हार्डवर्क करें, फिर उसके बाद कोई एक एक्सरसाइज नहीं ऐड कर सकते हैं। और बीच बीच में सेट्स लगा के आप अगर मसल को स्क्वीज करेंगे ना, सभी बॉडी पार्ट्स में बोलता हूँ मैं, तो उससे आपका मसल माइंड कनेक्शन भी शार्प होगा और मसल का ग्रोथ भी बेटर होता है, पोजिंग आपकी ट्रेनिंग को इंटेंस करता है। तो यही मैसेज है कि बाइसेप की 4 एक्सरसाइज में से आप अपने लिए जो आपको बेस्ट लगती है अपने लिए हैवी वेट उठाने के लिए, वो आप सेलेक्ट करें और एंजॉय करें। थैंक यू गाइज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। इसी प्रकार से आपको फिटनेस का सारा अपडेट सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।